नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सावन के महीने में बहुत ही टेस्टी सी स्वीट डिश, और इस स्वीट डिश को मैंने बनाया है साबूदाना से, जिसको व्रत में भी सभी लोग खा सकते हैं और वैसे भी आप इसको मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, और ये लगभग हफ्ते भर तक स्टोर करके भी रखी जा सकती है। इसको मैंने साबूदाना से बनाया है, और अगर आपको मेरी ये साबूदाना की बर्फ़ी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसको एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका। आप मेरी रेसिपी को लास्ट तक देखिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी ये जो छोटी छोटी सी कोशिशें हैं उनको मैं आप सबके सामने ला सकूं, और मेरा हौसला भी बढ़ेगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरी रेसिपी को लाइक करेंगे। चलिए बताती हूँ मैं आपको मैंने ये टेस्टी सी साबूदाना की बर्फ़ी कैसे बनाई है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम अपनी साबूदाना की टेस्टी सी बर्फ़ी। इसको हम इस समय सावन चल रहा है तो व्रत में भी खा सकते हैं। बर्फ़ी को बनाने के लिए लगभग हमें आधा लीटर दूध की ज़रूरत होती है रबड़ी बनाने के लिए, लेकिन अगर आपके पास दूध नहीं है तो आप फ्रिज पे रखी हुई ताज़ी मलाई ले सकते हैं, और मलाई अगर फ्रीज़र में रखें तो ज़्यादा दिनों तक चलती है और अच्छी भी रहती है। फ्रीज़र की मलाई एकदम एक सी निकलती है बाहर, और जो फ्रिज में रखी होती है वो थोड़ी सी कम अच्छी होती है। कम अच्छी क्या होती है, वो 3-4 दिन में उसका घी करना पड़ता है, नहीं तो वैसी हो जाती है। यहाँ पर मैंने ले ली है मोटे तले की कढ़ाई, और मैं रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मलाई ले रही हूँ। मेरे पास मलाई थी तो मैंने ताज़ी मलाई ले ली है। मैंने यहाँ पर 2 कप मलाई ली है। ये लगभग 300 ग्राम मलाई है, क्योंकि मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पर मलाई ले ली है। जिस कप से मैंने 2 कप मलाई ली है, मैं 1 कप नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध उसमें मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें एक उबाल आ जाने दूंगी। इसको इस तरह से चलाएंगे ताकि अच्छे से मलाई और दूध घुल मिल जाए और इसमें एक उबाल आ जाए। और मलाई का इस्तेमाल मैं इसलिए और भी करती हूँ क्योंकि मैं इसमें सिर्फ 1 या 2 चम्मच का इस्तेमाल करती हूँ घी का, तो इसमें जो मलाई होगी तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, और बर्फ़ी जो हमारी जमती है उसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा होता है। हम इसको इसी तरह से चलाएंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता अच्छे से। तो चलिए, जब तक हमारी साइड में रबड़ी बन रही है तब तक मैं यहाँ पर अपना साबूदाना रेडी कर लेती हूँ। साबूदाना को हमें धुलना नहीं है, उसको हमें इसी तरह से सूखा इस्तेमाल करना है। मैंने इस तरह से एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, इसको मैंने गीला किया, उसके बाद बहुत अच्छे से निचोड़कर इसको हल्का सा सूखा कर लिया है। अब मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ साबूदाना। ये मीडियम साइज वाला साबूदाना है, ना बहुत ज़्यादा छोटा ना बहुत ज़्यादा बड़ा, और हम इसको इस तरह से किचन के टावल में डाल लेंगे, और उसके बाद हल्के हाथों से बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें हल्का सा आटा जैसा होता है कभी कभी, आप चाहें तो इसको छान भी लें, और थोड़ा सा इस तरह से अगर कपड़े से आप साफ़ कर लेंगे हल्के गदमसे कपड़े से, तो क्या होगा, जो हमारा साबूदाना है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद, और जो साबूदाना हमने अच्छे से पोंछ कर रखा था उसको हम रोस्ट करेंगे, और बिना घी या किसी भी ऑयल के हम इसको इसी तरह से सूखा ही रोस्ट करेंगे मीडियम आंच पर लगभग 10 मिनट। ये रोस्ट हो गया है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसका बनाएंगे फाइन सा पाउडर। लीजिए, मैंने इस तरह से जार में साबूदाना डाल लिया है, और अब हम इसको मिक्सी में पीस कर इसका बहुत फाइन सा पाउडर बना लेंगे।
और एक बार इसको पाउडर बनाने के बाद हम फिर से छान भी लेंगे। चलिए मैं इसको पीस कर इसका पाउडर बना लेती हूँ। यहाँ हमारा साबूदाना अच्छे से पीस लिया है मैंने, और साइड में हम अपनी रबड़ी को भी चेक करते जाएंगे। ये लीजिए, रबड़ी भी हमारी अच्छे से फॉर्म में आ गई है इस तरह से। अब हम इसमें मिलाएंगे चीनी। मैंने यहाँ पर 2 कप मलाई डाली थी, 1 कप दूध डाला था। यहाँ पर मैं 1 कप से थोड़ा कम यानी कि तिहाई चीनी डाल रही हूँ इसमें। बहुत ज़्यादा अगर आपको मीठा पसंद है तो आप बहुत और भी ज़्यादा मीठा कर सकते हैं, पर इतनी चीनी इसमें पर्याप्त होती है। और चीनी डालने के बाद इसको हमें तब तक चलाना है जब तक चीनी अच्छे से रबड़ी में घुल नहीं जाती। और इसी रबड़ी में इस टाइम पर मैं बिल्कुल 1 चुटकी मिला दूंगी इसमें ग्रीन कलर। उससे क्या होगा, अब हम सीधे सीधे किसी को साबूदाना की बर्फ़ी खिला देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। मैं इसमें 1 चुटकी ग्रीन कलर मिला रही हूँ ताकि जब कोई ये साबूदाना की बर्फ़ी खाए तो वो हमसे एक बार पूछे कि इसको हमने कैसे बनाया है और ये किस चीज़ की है। लीजिए, हो गया ना रबड़ी का एकदम से कलर चेंज। मैंने बिल्कुल 1 चुटकी इसमें डाला है। अभी हम साबूदाना जब मिक्स करेंगे तो ये और हल्का हो जाएगा। बस हमें इतनी ही थिकनेस रखनी है इस रबड़ी की, क्योंकि अभी जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। साबूदाना को हमने रोस्ट कर लिया था, इसलिए उसका जब हम मिक्सी में पाउडर बनाते हैं तो वो बहुत ही फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पर उसको हल्का सा ठंडा कर लिया था, एकदम गरम गरम साबूदाना नहीं पीसा है मैंने, हल्का सा ठंडा करने के बाद उसको पीसा है। और देखिए कितना महीन सा पाउडर इसका बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद भी मैंने इसको एक बार छन्नी से छान लिया है ताकि एक आध जो रह भी जाए कण वो भी ना रहे इसमें। और मैंने दोबारा से पैन ले लिया है। पैन में ले रही हूँ मैं सिर्फ 2 चम्मच देसी घी, क्योंकि ये थोड़ा सा व्रत के लिए भी है, और व्रत में हमारे यहाँ वनस्पति या फिर तेल वगैरह कुछ नहीं खाया जाता है कि वनस्पति घी खा लिया या तेल खा लिया, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच घी लिया है। और इस 2 चम्मच घी में ही मैं टेस्टी सी साबूदाना की बर्फ़ी आपको जमा कर दिखाऊंगी। घी हमारा गरम हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी ये जो मैंने साबूदाना का इस तरह से आटा तैयार कर लिया है, और इसको हम इस घी में डालकर भूनेंगे। वैसे तो ये पहले से ही भुने हुए साबूदाना है तो इनको ज़्यादा नहीं हमें भूनना है, बस हमें 4-5 मिनट तक इसको इसी तरह से घी में भून लेना है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, रबड़ी हमें तेज आंच में बनानी है, और ये जो साबूदाना है पहले भी हमने इसको धीमी आंच में ही भूना था, और अब मैं इसे घी के साथ भून रही हूँ तो भी हम आंच को धीमा ही रखेंगे। जैसे ही हम ये साबूदाना का आटा घी के साथ भूनना चालू करते हैं ये बिल्कुल सूजी के जैसा टेक्सचर में हो जाता है। और जैसे ही हमारा साबूदाना हल्का सा घी के साथ भुनता है थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ड्राई कोकोनट। मैंने यहाँ पर सूखा नारियल अच्छे से ग्रेट करके ले लिया है। आपको जितना पसंद हो आप डालें, ना पसंद हो तो ना भी डालें, पर अगर आप इसमें डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आता है और थोड़ा सा इसका स्वाद भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम इसको कोकोनट डालकर भी 1 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे। कोकोनट का अपना एक फ्लेवर होता है, और जैसे ही हम इसको साबूदाना के साथ इस तरह से भूनना चालू करते हैं तो बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है उसमें। और जब ये बर्फ़ी हम किसी को सर्व करते हैं तो खाने वाला थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये नारियल की बर्फ़ी है। और उसको इसी तरह से हम भून कर रखेंगे और आंच को कर देंगे बंद।
और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये चीनी मिक्स दूध, यानी कि जो हमने चीनी मिलाकर मलाई से और दूध से रबड़ी बनाई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने आँच को बंद कर दिया है ताकि साबूदाना नीचे ना लगे। अब आँच को मीडियम ही रखेंगे और हम इसको इस तरह से चलाते हुए दूध के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 चुटकी इलायची का दरदरा सा पाउडर, और ये मैंने अभी इसको ताज़ा ही बनाया है। ताज़ी इलायची में ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, और देखिए इसको ज़्यादा देर चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, बड़ी जल्दी अपनी जमने वाली प्रोसेस में हो जाता है। इसको हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलाना है रबड़ी डालने के बाद, बस आप इसको देखेंगे ये 5 से 7 मिनट में इस तरह से घी छोड़ने लगेगा, क्योंकि मैंने मलाई से ही रबड़ी बनाई है तो उसमें भी घी होता है, और 2 चम्मच हमने घी डाला है। ये देखिए ये बिल्कुल जमने वाली स्थिति में हो गया है कि ये अब हम इसको ट्रे में जमाएंगे तो ये जम जाएगा। मैं आँच को बंद कर दूंगी और इस तरह की एक ट्रे लेंगे जिसमें हमें इसको जमाना है, और इसमें थोड़ा सा घी लगाकर हम इसको ग्रेस कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ट्रे को अच्छे से घी लगाकर ग्रेस कर लिया है, थोड़ा सा घी लगाया है मैंने बिल्कुल ज़रा सा, ताकि वो बस नीचे चिपके नहीं। मैंने यहाँ पर ग्रीस किया हुआ ट्रे ले लिया है, और अब हम इस साबूदाना के बैटर को इस पर पलट देंगे। ट्रे में डालने के बाद थोड़ा सा हम चाहे तो आप चम्मच के पीछे घी लगा सकते हैं, वैसे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है घी लगाने की, इसमें पर्याप्त घी हो जाता है मलाई और रबड़ी की वजह से। आप और पतले पीसेस भी कट कर सकते हैं, मुझे इस तरह के थोड़े मोटे से पीसेस पसंद हैं। ड्राई फ्रूट आपको जैसे भी डालने हो, जितने भी डालने हो आप उतने डाल सकते हैं, और बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप इसको खा सकते हैं। ये सिर्फ कोकोनट से ही बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अब आप इसको या तो 2 घंटे रूम टेम्परेचर पर रहने दीजिए, ये ऐसे ही जम जाएगी और अच्छे से इसके पीसेस कट हो जाएंगे, या फिर आप इसको जल्दी है ज़्यादा तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो ये आधा घंटे में ही बहुत है। फ्रीज़र में नहीं, सॉरी, फ्रिज में आप इसको रखिए, आधा घंटे में ही ये जमकर रेडी हो जाएगी। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इसी तरह से छोड़ दूँगी। मैंने थोड़े से बस इसमें बादाम के स्लाइस रख दिए हैं कट करके, और ये ठंडी हो जाएगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। चलिए लगभग 2 घंटे हो गए हैं और मैंने इस बर्फ़ी को चेक कर लिया है, ये बहुत अच्छे से सेट हो गई है। देखिए मैंने हल्के हल्के से इसमें कट लगाए हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, इसलिए जितना हो सके इसको ठंडा ही हो जाने दें, उसके बाद फिर इसमें कट लगाएं। अब मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगी इस प्लेट में टर्न करके कि ये कितने अच्छे से सेट हुई है, और इस तरह से मैं फोल्ड करके इसको पीसेस पे कट मैंने लगा दिए थे, और ये देखिए तैयार हो गई है ना हमारी बहुत ही टेस्टी साबूदाना की बर्फ़ी। आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं, और वैसे भी मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़े से ये बादाम के स्लाइस मैंने कट कर लिए हैं, और उनको हर पीस के ऊपर इस तरह से रख देंगे, और हल्का सा आप इनको दबा दें नीचे को तो ये उसमें चिपक जाएंगे। और एक साइड से तो मैंने कट लगा ही दिया है, दूसरी साइड से भी इनमें हम इस तरह से चाकू की सहायता से हल्का सा कट लगाएंगे, क्योंकि पीछे इनमें कट लगा हुआ है तो ये हमारे पीस बहुत ही आसानी से निकल आएंगे बाहर। ये देखिए